हिमाचल प्रदेश में देर रात से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग और लोसर में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे जिला की सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। अटल टनल रोहतांग में भी ताजा बर्फबारी हो रही है, जिससे रोहतांग दर्रे पर यातायात बंद है। इसके अलावा शिमला, चंबा, मंडी, किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू मनाली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हो रही है। ताजे बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में ठंड भी पड़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए आज बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका असर प्रदेश भर में दिखना भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर देश मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां सुबह ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास हो रहा है। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। केलांग में प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान आज रात -2.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ का असर आज के दिन ही रहेगा। कल से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इस दौरान शीतलहर बढ़ेगी। 18 और 19 नवंबर को एक बार फिर से बर्फबारी के दौर शुरू हो सकते हैं। डेड स्नोफॉल हुई है ऊपर के जो एरियाज है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, इसमें मॉडरेट स्नोफॉल हुई है। उससे हल्का हल्का कुछ असर पड़ा है एक्टिविटीज़ के ऊपर, लेकिन नीचे जो स्नोफॉल एक्टिविटी है वो स्लाइट मतलब लाइट इंटेंसिटी की हुई है, हल्की भरी हुई है और बिल्कुल लगभग स्लीट के बराबर है। तापमानों में फर्क पड़ गया है, क्योंकि जो दिन के तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री का ओवरऑल फर्क है प्रदेश में, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 2 डिग्री का पिछले 24 घंटे में राइज आया। लेकिन कल अगले आने वाले दिनों में कुछ इसमें फॉल जरूर करेगा, और मॉर्निंग जो है कुछ हल्की हवा भी चल सकती है, जैसे आपने आज देखा, इसी तरह से मॉर्निंग आवर्स कुछ विंडी भी रह सकते हैं। आगे अभी इमीजिएट तो नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कल से तो इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 के आसपास जो है ऊपर के जो हल्का बर्फबारी का अंदेशा है, जैसे लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर के ऊपर के एरियाज में, आमतौर पर जब मानसून अच्छा होता है तो टेम्परेचर सॉइल के भी कम आ जाते हैं, तो उससे फर्क जरूर पड़ता है कि टेम्परेचर कम हो जाते हैं इमीडिएट और मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उससे ये आमतौर पर देखा जाता है कि बर्फबारी भी अर्ली भी हो जाती है, और आमतौर पर विंटर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सर्दियों में ज़्यादा फील होती है।